वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार दर्शकबिंद, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज म तपाईहरुलाई यो सिकाउन जान्दछु कि बाल लेडीज को सर्ट बाल कस्तो काट कसरी काट्ने भन्ने कुरामा आज मैं सिखाने जा रही हूँ कि बाल शॉर्ट हेयर कैसे काटते हैं। बहुत काटा है मैंने, फिर भी ये थोड़ा इजी तरीक़ा से थोड़ा अच्छे से नॉलेज हो जाए, इसीलिए मैं फिर ये काटने जा रही हूँ। और मैं फर्स्ट सेक्शन ले रही हूँ और इसमें मैं बाल को क्लिपर से काट रही हूँ। नीचे का बाल मतलब फर्स्ट सेक्शन को मैं क्लिपर से काट रही हूँ, मतलब मेसिन से काट रही हूँ। मैं ये मेसिन ले काटी रखी हूँ। सबभन्दा पहिले फर्स्ट सेक्शन नंबर 6 mm लगाए काटी रखी हूँ। इसको मैं 6 mm लगा के काट रही हूँ। उसको शॉर्ट हेयर चाहिए, नॉर्मल शॉर्ट हेयर, जैसे कि कान ओपन होता है, अच्छे लुक्स दिखते हैं। एक साइड में थोड़ा छोटा होता है, एक साइड में थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा स्टाइल सा ऐसा। जहिले पनि तपाईहरुले मेसिन चलाउँदा फेरि हेयर ग्रोथ को अपोजिट चलाउने, जब भी आप लोग मशीन चलाते हैं हेयर ग्रोथ के अपोजिट चलाए तो इजी होता है, अच्छे से काट लेता है। अभी मैं इसको शेप मिला रही हूँ। मैं ये अहिले चाहिँ दाँत यूज नगरिकन मशीन ले शेप मिलाइरहेको छु। आई एम यूजिंग 6 mm लेंथ मशीन क्लिपर एंड नाउ आई एम मेकिंग द शेप, द बैक शेप। ओके, आई टेकिंग द सेकेंड सेक्शन। मैं सेकेंड सेक्शन ली रहे स्प्रे द वाटर, पानी लगाकर स्प्रे करने, पानी लगा के स्प्रे करना है ताकि बाल कटिंग में इजी हो जाए। बाल को कंघी से होल्ड करके सीधा सीधा कंघी के ऊपर से बाल काटना है। बाल लाई चाहिँ कंगीले होल्ड गर्ने र माथिबाट कमको माथिबाट काट दिने। होल्ड द हेयर एंड कट द ओवर द कम। यसरी पनि हाम्रो एकदम इजी तरिका हो यो, मतलब एकदम इजी तरिका हुन्छ यसरी काट्नु भयो भने तपाईले। इसमें स्टेप कट पनि आफै बन्छ, तपाईले कांगीले यसरी होल्ड गरेर काट्नु भयो भने। ऐसे कांगी से होल्ड करके काटने से स्टेप कट भी बन जाता है, सीधा सीधा नहीं होता है, थोड़ा उठा के करे तो। अभी मैं थिनिंग सीजर यूज कर रही हूँ बॉटम में। उसका बाल भी बहुत थिक है। आज का बहुत वीडियो है थिक बाल वाला। बॉटम में हम थिनिंग कर रहे हैं, वहाँ को बाल एकदम बाक्लो छ, त्यस कारणले गर्दा यो थिनिंग सीजर यूज गरिरहेको छु बॉटम में, हेयर को बॉटम में। तपाईहरुले यसरी युज गर्नुभयो हुन्छ थिनिंग सिजरलाई, धेरै सोच्नु पर्दैन। ओके, आई एम टेकिंग अनदर सेक्शन। मैले अर्को सेक्शन लिँदैछु र सेक्शन लिएर क्लिप गर्न लागेको। मैं दूसरा सेक्शन ले रही हूँ र उसको बाल को अच्छे से क्लिप करना चाहिए और पानी स्प्रे लगाना चाहिए। पानी स्प्रे लगाउनु पर्छ, स्प्रे द वाटर। अनि कंगीले राम्रोसित कंग गरेर स्टेप कट, नर्मल स्टेप कट काट्नु पर्छ, पॉइंटेड कट। मैले अघि पनि भनेको छु कि पॉइंटेड कट काट्यो भने नेचुरल फल्स हुन्छ, नेचुरल लुक्स देख्छ। हम लोग ना पॉइंटेड कट काटने से ना बाल नेचुरल दिखता है, सीधा सीधा काटने से थोड़ा अननेचुरल दिखता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर पॉइंटेड कट का प्रेफर करती हूँ। आप लोग भी काटने हैं तो पॉइंटेड कट काटें, सीधा सीधा मत काटें, मतलब जैसे कि सीजर को थोड़ा पॉइंट बना के काटना है। पॉइंटेड कट बने को तो सीजर अलग सीधा सीधा करी है कि ठाड़ो करी काट्न पॉइंटेड कट बन, इस कपाल नेचुरल देखा। आई एम यूजिंग सीजर विथ पॉइंटेड कट, इट विल हेल्प द लुक्स नेचुरल हेयर कट। यो स्टेप कट हो, नर्मल स्टेप कट, वहाँले नर्मल कट काट्दै हुनुहुन्छ, कपाल को नर्मल शॉर्ट हेयर गर्दै हुनुहुन्छ।
उसका बाल भी बहुत ज़्यादा है। फिर इसी इक्वल करने ये कपाल काइयों ले लिए रख, आप फिर ये कंघी से उठा उठा के इक्वल कर सकती है बाल को, देखिए ऐसा। हम इसी तरीके से बाल थिनिंग भी कर सकते हैं, यू कैन मेक इट बैलेंस लाइक दिस। ओके, स्प्रे द वाटर, पानी थोड़ा छिटकना है और उसके बाद थिनिंग सीजर यूज करना है बॉटम में, हेयर बॉटम में, ऐसे इसी तरीके से। आई एम यूजिंग थिनिंग सीजर लाइक दिस, यू कैन सी इन माय वीडियो। मैले थिनिंग सिजर युज गरिरहेको छु यसरी, तपाईँले मेरो भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। लास्ट सेक्सन, यसरी बराबर काट्दिने। अब हामीले छोटै काट्नु छ त्यस कारणले गर्दा, अब छोटै काट्न है तो हम इसे बराबर काट्ते हैं। उसके बाद थिनिंग सिजर से फिर मैं ऊपर का बाल सब थिनिंग ही सिजर से काटती हूँ, बाद में फिर बराबर करती हूँ। थिनिंग सिजर ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं ऊपर के बाल में, आप देख सकते हैं। मैं डिफरेंट तरीके से सीजर यूजिंग थिनिंग सीजर यूज़ करना आप लोग को सिखा रही हूँ। मैले यो थिनिंग सिजर यसरी लिनेको कारण किनभने तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट तरिकाले थिनिङ सिजर युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई भिडियोमा देखाइरहेको छु। यु क्यान युज लाइक दिस थिनिङ सिजर बिफोर आई कट द अदर टाइप अफ थिनिङ एन्ड द नाउ इज आई क्यान सो यु दिस टाइप अफ द थिनिङ। Okay, now I'm going to make balance. अब मैले अघि थिनिङ गरेको बालहरू लामो छोटो हुन जान्छ, उनीहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने। पहिले मैले थिनिङ किया था तो लम्बा छोटा रह जाता है, तो फिर उसको इक्वल करे, इक्वल करे पर वो पॉइंटेड कट में इक्वल करे। इसी तरह से यू कैन मेक इट बैलेंस इक्वल बट विथ पॉइंटेड कट। ओके, अब हामी साइडको बालमा जान्छौँ। उहाँले साइडमा पनि छोटो काट्ने भन्नुभएको छ र म मेसिन युज गरिरहेको छु। इसका बाल साइडमा भी छोटा है, उसको एक साइडमा लम्बा एक साइडमा छोटा चाहिए, इसीलिए इसमें भी मैं नम्बर टू मतलब 6 mm मेसिन लगा के काट रही हूँ। आई एम यूजिंग 6 mm मेसिन द साइड बिकॉज सी नीड शॉर्ट हेयर, one side is short hair, other side as you want long hair. Okay, second section. मैंने थिनिंग सीजर से छोटा करने जा रही हूँ। आई एम यूजिंग थिनिंग सीजर नाउ, मेक इट शॉर्ट। मैंने थिनिंग सीजर ले नहीं शॉर्ट करना गई रहे कुछ र शॉर्ट करी रहे कुछ ताकि कपाल को स्टाइल हुन्छ नि त्यसले नेचुरल देखोस् भनेर। र थिनिङ सिजर यसरी पनि युज गर्न सकिन्छ सर्ट गर्नको लागि भनेर म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। थिनिङ सिजर ऐसे भी युज गर सकते छोटा करने के लिए, और जब अनइवन होता है वो सीजर से काटे।
ठीक है, मैं करती हूँ अगेन। थिनिंग ऐसे भी कर सकते हैं, आप कंघी से बाल उठा उठा के काट सकते हैं। तपाईहरुले यसरी पनि थिन गर्न सक्नुहुन्छ, कपाललाई उठाएर कंघीले उठाएर थिन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको बाल पनि निकै थिक छ। अब अदर साइड, अब अर्को साइड। वही करते जो थिनिङ से छोटा करते हैं पहले, सेम एज बिफोर, जब पहले पहला जस्ते करने थिनिंग सीजन ले पहला छोटो करने अनि चाहिँ इक्वल करने। वहाँले यो साइड में लामो राख्नुहुन्छ, उसको इधर साइड, ये साइड थोड़ा लंबा रखना है, उधर के जैसे छोटा नहीं काटना है। दिस साइड सी नीड लॉन्ग हेयर, सी वॉन्ट टू लॉन्ग लॉन्गर देन अदर साइड। मेक इट ब्यालेन्स, ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, लामो छोटो हुन्छ त्यो सिजरले, थिनिङ सिजरले काट्दा त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने। उसका स्टाइल है थोड़ा कान का, वो कान थोड़ा दिखाई दे ऐसा, पर आगे का बाल लंबा चाहिए उसको, पर वो कान की साइड में थोड़ा कान को दिखाई दे उसका बाल। अनि यो सिजरले चाहिँ थिनिङ गर्दै काट्दै ब्यालेन्स मिलाउने, थिनिङ सिजर युज करके फिर ब्यालेन्स मिलाउनु पर्दा है। थोडा अनइभन है तो उसको इभन करे। हाँ, इसको फिर थिनिङ सिजर से छोटा करे या थिनिङ करे, उसको पॉइंटेड कर जैसा चाहिए, सीधा सीधा वाला थिक वाला नहीं चाहिए, उसलाई अलि पॉइंटेड कर जस्तो नेचुरल खाले जस्तो चाहिएको छ, त्यसकारणले गर्दा उहाँलाई चाहिँ थिनिङ गर्दै काट्नु परेको छ। यसरी हामी काट्न सकिन्छ, थिनिङ गर्दै काट्न सकिन्छ नेचुरल लुक देखाउनको लागि। फेरि इसका भी हमने छोटा कर दिया थिनिङ सिजर से, इसी तरह से। यसरी तपाईहरुले लामो बाललाई छोटो गराउन सक्नुहुन्छ थिनिङ सिजरबाट। तर थिनिङ सिजर चलाउँदा तपाईले मलाई मेरो भिडियोमा हेर्नुहोस् कसरी चलाएको छु, त्यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। होल्ड द हेयर एन्ड थिनिङ थिनिङ थिन द हेयर एन्ड मेक इट शॉर्ट like this, you can see in my video. और ये बाल का थोड़ा स्टिप कट लेके बैलेंस मिलाए, थिनिंग कर दे, थिनिंग करे पहले, उसके बाद बैलेंस मिलाए। अभी भी थिनिंग हो रहा है, वहाँ को बाल फिर थिनिंग भई रहेको छ, वहाँले पॉइंटेड कट चाहिएको भएर थिनिंग धेरै गरिएको छ। अभी उसका बाल अनइवन का इवन कर रहे हैं, बैलेंस मिला रहे हैं, जिसका लंबा छोटा है उसको मिला रहे हैं, लामो छोटो भएको मिलाउने थिनिंग पछि। मेक इट बैलेंस, कट इट बैलेंस व्हिच इज अनइवन। ओके, नाउ ऑलमोस्ट फिनिश। अभी उसका बाल हुआ है साइड में छोटा, एक साइड में छोटा, एक साइड में लंबा। नाउ यू कैन सी वन साइड इज शॉर्ट हेयर लाइक अ बॉयज कट, अदर साइड इज लाइक गर्ल कट और लॉन्ग हेयर, यू कैन सी इन माय इट्स नाइस हेयर कट।
शॉर्ट हेयर कट, छोटा बाल, एक तरफ छोटा है दूसरा तरफ लंबा है, एउटा साइड में छोटो काटने र अनदर साइड में चाहिँ अर्को साइड में लामो छ। इनलाई एकदम प्रिटी देखिरहेको छ यो कटले आफ्टर ब्लो ड्राई शैम्पू। ओके, डू यू लाइक इट? मुझे लगता है आप लोग को बहुत पसंद है, मलाई लाग्छ तपाईहरुलाई धेरै 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 यो कटिंग मन परेको छ। थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद इस भिडियो देखने के लिए, धन्यवाद तपाईहरुलाई यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। आई होप सी यू सुन, आशा करती हूँ कि जल्दी मिलें।